రాత్రి చెప్పిన ఒక ముగ్గు ఇస్తామని ఏం చేయాలంటే నేర్చు చెడు మరి ప్లీజ్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్. మే యా క్యా కర్తా హూ, ये लोड सीज कॉल करता हूँ, इसमें मैं नंबर ऑफ सीज भेज दूंगा और मैं यहाँ पे सीज भी, ठीक है? अच्छा void print सीज करते हैं, इसको क्या पास होगा बेटा? ये पास हो जाएगा. यार मैं सीरियसली यहाँ से पूछूंगा और मैं कभी भी वापस नहीं. अब जब मैंने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट तो मैं ऐसे नहीं करवा सकता. और प्रिंट अब एक तरीका तो यह है कि मैं यहाँ पे क्या करता कि मैं हर एक का यहाँ पे जाके डॉट गेट प्रिंट कॉल, ठीक है? तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस लिस्ट में गो थ्रू किया और हर एक का डॉट प्रिंट डॉट प्रिंट डॉट प्रिंट कॉल. सर यहाँ कॉन्स्टेंट होना चाहिए और आर्गुमेंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए. क्या कह रहा और साथ हम ये भी काम कर लेते हैं सी आउट एंड अंदर, ठीक है? क्या यार एक पॉइंटर भेजो चार बैठ कर परमिशन दे दी तो सबके पास, ठीक है? कॉस भी लगाना नहीं लगाना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है कॉस लगाना लगा, ठीक है? बात से बात ऑल राइट. मैंने लोड किया, मैंने प्रिंट सीज कॉल किया, ठीक है? जो मैंने सीज भेज दिया और नंबर ऑफ सीज, ठीक है? तो बेटा अभी तक हमने पता सिंपल काम किया, फाइल से नंबर लोड कर लिए और डिस्प्ले करवा दिए. अभी तक जो हमने काम किया है ये समझ में आ गया, ठीक है? ये काम ये देखिए, ये नजर आ जाना चाहिए. क्या क्या
सी रीड करना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर होनी है कौन से वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बदलनी है तो ये मैं रख दूंगा एन एन स्टैंड फॉर लेफ्ट जिसकी वैल्यू चेंज होनी है ये बात समझ यूजुअली इसको कहते हैं एल वैल्यू लेफ्ट वैल्यू लेफ्ट आर्गुमेंट वैल्यू लोकेशन वैल्यू जिसमें अपडेट होनी होती है ओके और जो ये वाली होती है असाइनमेंट के राइट साइड पे होती है इनको यूजुअली कहते हैं आर वैल्यू ओके राइट वैल्यू और यूजुअली इनमें चेंजेस नहीं होती ओके नहीं होनी होती तो एक्चुअली हम इसे कहेंगे ये हमारा क्या है आर वन है ये हमारा आर टू है ये सी रीड करने की जरूरत है नहीं ये क्या है ये वो ऑपरेटर है जिसको यू रीड करने की जरूरत है कैन यू टेल मी इस एक्सप्रेशन को रीड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए मुझे तीन इंटीजर चाहिए और एक यूजफुल कैरेक्टर चाहिए उसके उसका नाम ओपीआर और एक ये सी रीड करने के लिए मुझे एन इग्नोर कैरेक्टर चाहिए तो या तो मैं सी मेरे रीड सी इन डॉट इग्नोर कर दूंगा क्योंकि सी इन के अंदर भी डॉट इग्नोर होता है या मैं क्या हां उसे क्या होता है उसे बेसिकली जो भी अगला कैरेक्टर आने वाला है इग्नोर ठीक है तो लेकिन मैं ना उसको मैं उसके कैरेक्टर में रीड करता ठीक है सो लुक एट दिस जी प्लीज ये देखिए जी मैं यहां पे बनाता हूं एक कैरेक्टर डी डी फॉर डमी ओके और एक है कैरेक्टर जिसका नाम है ओपीआर जिसमें मैं ऑपरेटर रख करता और इस तरह से मैं तीन वेरिएबल बना रहा हूं एक है एल वैल्यू एक है आर वन और एक है आर टू ओके एंड नाउ लुक एट दिस यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है लुक एट दिस जी मैं यहां जाता हूं यहां जाके सबसे पहले सी इन करवाता हूं हां जी डमी एल वी करवाएंगे हाँ जी फिर क्या करवाएंगे फिर डी करवाएंगे जबकि मुझे फिर जरूरत है ठीक है फिर क्या करवाएंगे फिर करवाएंगे फिर डी करवाएंगे फिर आर वन करवाएंगे फिर ओपीआर करवाएंगे और फिर डमी करवाएंगे और फिर आर एंड नाउ लुक एट दिस ये हम कंसोल से करवा रहे हैं ओके और यहां हम लिखेंगे लुक एट दिस जी रिकॉर्ड करिए बेटा वो भी रिकॉर्ड करिए नहीं आज बैठा दूंगा ऑल राइट जी और ये आई थिंक ये वाला कोड भी दे देंगे तो रोड बन जाएगा जल्दी लुक एट दिस जी क्योंकि आपने सही काम फ्रैक्शन के लिए करा तो यू नीड टू बी ओके ओके और ये इमेज ही कौन मिलेगा तो ऑफकोर्स ही करना जस्ट सुनो जी बात सुनो यार प्लीज हेलो मैं आपके साथ हूँ बस ही तो आ रही लुक एट दिस जी मैं करूंगा ये देखिए किसका मैं अब बेसिकली होना क्या होना ये है कि यहां पर होना है स्विच और यहां लिखेगा ओपीआर डिपेंड करता है आपने क्या लिखा है केस में क्या प्लस लिखा है क्या केस में माइनस लिखा है क्या केस में डिवाइड लिखा है जी क्या केस में मल्टीप्लाई लिखा है हां जी इनवर्स के लिए क्या करना है आप खुद सोचो ठीक है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी वो आप खुद हैंडल करें ठीक है लुक एट दिस जी नाउ अगर प्लस है तो बेसिकली हमें किसका ऐड कॉल करना है C's के कौन से वाले का ऐड कॉल करना के R1 का डॉट ऐड कॉल करना है और यहाँ पास क्या करेंगे C's का R2 इसने
ऊपर शाबाश, माइनस वन ही ये होगा, माइनस वन ही ये होगा और माइनस वन ही ये होगा। ये चार दफा माइनस करने से बेहतर है उधर माइनस एक, यही पर ही आर एल भी माइनस माइनस कर दो, आर वन माइनस वन कर दो और आर टू माइनस। यहाँ क्या होगा? सेम एग्जैक्टली, द ओनली डिफरेंस इज सब एग्जैक्टली द सेम, द ओनली डिफरेंस इज exactly the same, the only difference is okay? ये बात समझ गई? इसी तरह अगर आप चाहें तो यूनिटी ऑपरेटर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं m सॉरी c1 इज इक्वल टू माइनस c, माइनस c क्या मतलब? c1 इज इक्वल टू माइनस c, क्या मतलब? अब हमने एडिटिव इनवर्स कॉल, तो उसके लिए फिर तुम्हें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, तुम डमी में रीड नहीं कर सकते। तुम्हें तीसरा कैरेक्टर इक्वल टू फॉरन बाद रीड करने के फॉरन बाद क्या कहना चाहिए, हाँ तुम्हें देखना पड़ेगा वो क्या है। अगर वो कोई माइनस सिंबल है तो फिर तुम्हें अगला वाला डमी कर रहे हैं, इसको डमी नहीं करना। अगर आई है तो इनवर्स की बात, ठीक है? तो इस तरह यू कैन एक्चुअली इम्प्रोवाइज दैट, दिस इज ए लिटिल बोनस पार्ट कि अगर आप इसको जो यूनरी ऑपरेटर है वो उसमें ऐड कर दें। रिक्वायरमेंट जो है वो सिंपल सी है कि आपके ये चार तो होने चाहिए और यही चार जो है वो फ्रैक्शन के लिए भी चले। अगर आप ये यूनरी ऑपरेटर की एडिशन आप कर देते हैं यू विल गेट ए स्मॉल बोनस पॉइंट। ओके ऑलराइट जी, लुक एट दिस, अभी तक सिर्फ मसला एक है, वो ये कि एक दफा चलेगा एक और स्टॉप होगा। क्या करें हम? बेसिकली लुक एट दिस चीज, मतीन का सवाल सुन लो बस। अगर हमने डबल इक्वल टू किया तो रियल, डबल यू ने इक्वल टू किया, इक्वल टू किया तो रियल और इमेजिनरी दोनों से, शाबाश। बेसिकली जब सब कॉल होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करता है। आप एक बात गौर से सुनो, अगर मैं कहूँ ना कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है और कॉम्प्लेक्स नंबर एक यहां पर है और मैं ये बराबर ये भी कहता हूं तो ये है 12 बाइट, ये है 12 बाइट। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को असाइन करता हूं तो इसके वो 12 बाइट उठाता है और इसके 12 बाइट पे डिटो कॉपी, तो असाइनमेंट ऑपरेटर विल वर्क। ओके ओके, बट देयर आर सिनेरियोस जहां पर दिस विल गोइंग टू फेल, वी विल सी दो सिनेरियोस ऑन फ्राइडे। ओके जी, पहले हम इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करने दो, ये एक दफा चलेगा खत्म क्लास के बाद, इसको हमें बार बार करवाना है। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, यहां पर हम एक डू लगा देते हैं, यहां पर हम एक दफा टैप कर देते हैं, ये हम वायर लगाएंगे प्लीज, यहां हम एक वायर लगा देते हैं और यहां पर जस्ट पहले एक सीन करवा लेते हैं, बना देते हैं ऑप्शन। ओके सी आउट बैक्सेशन बैक्सेशन बैक्सेशन, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, Why? No. और यहां जाते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं ऑप्शन डबल इक्वल टू अदर y है और ऑप्शन डबल इक्वल टू कैपिटल y है, कंटिन्यू करते हैं और प्रिंट में जाके हम एक काम और करते हैं, सिस्टम सीएलएस, ठीक है? तो आपने बच्चे कह रहे थे कि दूसरे ऊपर सिस्टम सीएलएस लगा देते हैं, दैट्स अ बैड आइडिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग का काम है तो प्रिंटिंग होना चाहिए, यहाँ से मेन फ्लोर, ठीक है? डू के नेट लगा दें, तो आज कोई नहीं है, बट नॉट ए गुड प्रोग्राम फैक्टर नहीं। ओके
आखिर जो नंबर आ रहे हैं ये फिर दरमियान में आएगा तो पता लगेगा बात यह है कि एक बात याद रखें,
ये जो मैंने अभी इस तरह से फॉर्मेट बनाया ना कि अपने प्रोग्राम को टेस्ट कैसे किया जाता है, अच्छा इतनी अभी इतनी भी देर मुझे लगी अगर मैं आपको समझा ना रहा तो अगर अगर फर्स्ट में क्लास में थोड़ा बहुत खत्म हो गया हुआ है। आई थिंक ये जो मैंने मेन बनाया ना, ये मेन एक दफ़ा बनाना आपको ना ये बनाना ज़रूरी है। क्यों इसलिए बेटा ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली अब देखो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट से मैं साथ साथ ही प्लस भी चेक कर सकता हूँ, माइनस भी चेक कर सकता हूँ, मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, जो जो मेरे बनते जा रहे हैं वो मेरे टेस्ट होता है, बस में ठीक है। और मैं जितनी दफ़ा मर्जी चेक करना चाहूँ चेक कर सकता हूँ, बस में आपकी ऊप की जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स आई उसमें बेसिकली ये कैलकुलेटर साथ चलता है, ठीक है। हमारी बेसिकली फ्रैक्शन की क्लास है उसमें भी ये चलेगा, स्ट्रिंग की क्लास हो उसमें भी ये चलेगा, ठीक है। वो फ्राइडे में ठीक है। तो बेटा छोटी सी मैं आपको बात बतानी है, मुझे कि जो बेसिकली फ्रैक्शन मैंने कौन सा मुझे कम्प्लीट काम बना दिया बट यू शुड डू इट या फोर्स उस पर लिख रहा हूँ, और उसके फ़ौरन बाद आपका काम भी होना चाहिए कि आपने आपने फ्रैक्शन की क्लास पढ़ना, ठीक है। एंड दिस शुड बी योर टारगेट फॉर टिल टिल यू कम बिफोर आई मीन फॉर टू मिनट्स फ्राइडे क्लास सर हो जाते हैं तो साथ रहेंगे।